इस वीडियो में हम ये जो वायर है ये लगाना सीखेंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाए थे, इसमें हमने वायर बनाना सीखे थे कि ये कैसा बनेगा, इस पे जो कलर का कोई भी कलर का कपड़ा लगा सकते हैं वो सीखे थे। पर उस वीडियो में लोगों ने काफी पूछा है मुझसे ये वायर कैसे लगाते हैं, क्योंकि उनसे लग नहीं रहा था बराबर से, यानी ऊपर नीचे हो जा रहा है थोड़ा धागा। तो वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे बनेगा, कैसे लगेगा और मशीन में कैसी सेटिंग होगी उसकी। थोड़ी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ तो लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। आप भी आपका कोई डाउट या कुछ रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे वो भी वीडियो देख सकते हैं जाके, उसमें मैंने अपना नंबर भी दिया हूँ। तो हम वायर कैसे लगाना है वो देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये स्टील वाला लेंगे, या तो वो कलकत्ता ही चाप काले कलर का रहता है लोहे का, वो ले सकते हैं। इसको यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, या हमारी लगने के बाद इसको हम ये सुई ऐसी डाल लेने का है यहाँ पे। ये हमको पहले तो ये सेंटर में करना है इसको, यहाँ से खोल के, ये जो हमारा है ये सब मशीन में रहता है, इसको खोलना है यहाँ से, और इसको ये सेंटर मिला लेना है, बिल्कुल सेंटर आना चाहिए ऐसा, और इसको फिर टाइट कर लेंगे। हमारी हो गई, और ये जिस भी कपड़े पे लगाना है पहले उसको हम ऐसा रख लेंगे। और ये हमारा वायर है, ये अभी इस पे कुछ लगा नहीं है, तो इसको हम ऑयल लगा लेंगे, एक ऐसा जो कोई भी कपड़े में ऑयल डाल के इसमें थोड़ा बहुत, इसको ये जितना भी रहेगा उसमें ऐसा ऑयल लगा के ऐसा पोंछ लेंगे थोड़ा, जिससे ये हमारा अच्छा हो जाता है चलने में मशीन में। ऐसा पूरे इसमें लगा लेंगे जितना भी लगाना है हमको, और ये मशीन रख के यहाँ से ऐसी इसमें चला लेता है। हाँ, सबसे पहले हमने ये सब अलग अलग कलर का लिए, धागा भी अलग कलर का है, ये वायर भी अलग है और कपड़ा भी अलग है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ऐसा चलाएंगे, पहली सिलाई रहेंगी हमारी, थोड़ी दूर से चलाएंगे जैसे एकदम सीधी आएगी। ये हमने चला लिए, ये देख सकते हैं, ये जो इसकी ये कवरिंग से एकदम जो कॉर्नर है इससे थोड़ा दूरी पे चलाना है सबसे पहले तो हमको, जिससे ये अंदर दिखेगा नहीं जब ये इसका दूसरा साइड इस पे लगेगा। तो ये ऐसा काट के यहाँ से निकाल लेंगे जितने भी इस पे हमने, ये निकालने के बाद ये जो हमारा फिर दूसरे इस पे लगाना है, तो ये इसको ऐसा पीछे ले लेंगे, पीछे साइड ये देख सकते हैं, ये धागा दिख रहा है पीछे का, यहाँ पे पीले कलर का है ये, इसको यहाँ रखना है। यहाँ पे भी ऑयल लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये कपड़े ही वैसा रहता है, बैक का कपड़ा रहा तो। यहाँ पे भी ऑयल लगा लिए, और ये जो है यहाँ पे रखेंगे इसको सीधा, और जो ये हमारा धागा है ना इसके थोड़ा इधर साइड में मारना है हमारे को ये सिलाई। इसके लिए हमको ये जो हमारी, ये अभी हमने बीच में सेंटर में सेट किए थे इसको, ये जो हमारी दाब है इसको, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा लूज करके इसको और उस साइड कर देना है एकदम सुई को उस साइड, जिससे ये हमारी जो सिलाई है ये इस साइड आ जाएंगी बराबर, इससे थोड़ा दूर वो दिखेगा आपको। और ये ऐसा सेट होने के बाद इस साइड दबा देंगे और यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे, ये टाइट होने के बाद यहाँ से इसमें चला लेते हैं। ये
देख सकते हैं ये हमारा सिलिया है और ये धागा भी नहीं दिख रहा उसका कौन सा था। ये ऐसा रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा भी नहीं, ये फिनिशिंग के साथ आ जाएगा हमारा वायर जैसा का वैसा। अगर ये जो दो सिलाई आगे पीछे देख सकते हैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें दबने पे, जो इसका जो सिलाई है थोड़ा आगे पीछे है। और ये सिलाई सीधी लाने के लिए हमको ये जो है इस पे मशीन स्लो स्लो चलाना पड़ेगा, अगर फास्ट चलाएंगे तो ये आड़ी टेढ़ी चलेगी इस पे बराबर नहीं चल पाएगी ऐसा रहेगा। और जो हमने पहली सिलाई है वो हमारी थोड़ी दूर रखेंगे और जो दूसरी सिलाई ऊपर से आ रही है हमारी ये इसको थोड़ा वायर के और नजदीक लगाएंगे तो ही अच्छी आएगी ऐसा आएगी। और ऐसे ही ये राउंड का भी रहेगा, अगर कोई हम राउंड मारते हैं तो वहां पे भी वैसे ही मारना पड़ेगा उसको, वो भी मैं एक मार के दिखाता हूँ, दाग होल वाले पे मार के बता रहा हूँ, इसकी जॉइंट कैसी लगाना है वो भी बता दूंगा इसमें। पहले तो ये इसमें हम ऑयल लगा लेंगे ये पूरा इसमें जितना भी वायर हमको इसमें लगेगा गोल में, थोड़ा सा ही लिया हूँ मैं ऐसा। ये ऑयल लगाने के बाद इसमें इसको यहाँ कहीं से भी एक जो भी जगह है हमारी वहां से रख लेंगे, अब इसमें मार लेंगे स्लो स्लो मारना है जिससे और ये जो हमारा जहाँ पे ये वो होता है वहीं से इसको ऐसा काट लेना है, ये नाप भी हो जाता हमारा सेम ये ऐसा कट जाएगा। और यहाँ पे एक ऐसा कोई भी छोटा सा एक टुकड़ा ले लेना है कपड़े का सेम कलर का, वायर के कलर का रहेगा तो दिखेगा नहीं, ये ऐसा रख के इसमें यहाँ फोल्ड मार के इसमें सिलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया, ये ऐसा बन जाएगा पूरा चारों तरफ से, ये थोड़ा दूर पे है देख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद जो लगेगा अभी वो नजदीक में लगेगा, ये जो सिलाई है इसके थोड़ा अंदर लगेगा, इसके लिए हमको ये जो है हमारी ये चाप इसको या तो यहाँ से खोल के कर सकते हैं और या तो इसको ऐसा थोड़ा सा मार देंगे तो ये अपने आप वहां पे पहुंच जाता है। ये मैंने मार दिया पहुंच गया वहां, फिर यहाँ इसमें कुछ भी लगा के जो भी हमारी बॉर्डर रहेगी बॉर्डर मारने के लिए पहले तो इसमें ये अगर ये मेटी बैग का कपड़ा रहा तो इस पे तो ऑयल लगाना जरूरी है, यहाँ ऑयल लगा लेंगे पूरे तरफ तो ये अच्छा चलता है मशीन पे। और ये ऐसा इसको जोड़ लेंगे दोनों को, और ये जो हमारा ये है यहाँ से इसको थोड़ा आगे ही लेंगे इसकी सिलाई जो दूसरी सिलाई है हमारी। ये ऐसा देख सकते हैं इसमें दो सिलाई है, इसके वजह से ये अच्छा दिखेगा। इसको अब हम पलटी करेंगे तो ये सिलाई नहीं दिखेंगी हमारी, ये ऐसा ये पूरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।